हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे। दोस्तों ये आप सभी चीज़ें जानते होंगे, जब आप समरसिबल मोटर कराते हैं बहुत सी कंपनी की आती हैं, लेकिन दोस्तों क्रम्पटन एक ऐसी कंपनी है जो कि दोस्तों सबसे बढ़िया मोटर मानी जाती है। तो दोस्तों जल्दी से इसे हम खोल के देखते हैं, ऐसा इस मोटर में क्या खासियत रहती है, खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या निकलता है साथ में। पहले तो बॉक्स देख लीजिए, बॉक्स कितनी हैवी पैकिंग दी हुई है कि पिनों से काटना पड़ रहा है, मतलब पिनों को हमें रिमूव करके जमने निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये बॉक्स जो है बहुत हैवी बॉक्स बनाया गया है। पैकिंग से ही पता लग रहा है कि मोटर अच्छी होने वाली है। और ये जो मोटर है दोस्तों घरेलू यूज़ में होती है, जैसे आपके घरों में लगाए करते हैं 1.5 HP की, 1 HP की, तो ये वो एक मोटर है। तो मैंने ये अपने यूज़ के लिए ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाई जाए इसके अंदर क्या निकलता है, क्या क्या आपकी अनबॉक्सिंग में क्या क्या सामान निकलता है, मतलब इसके अंदर क्या मटेरियल देते हैं कंपनी वाले फ्री। तो जल्दी से इसे खोल के देखते हैं। और क्रम्पटन की मोटर जल्दी से ख़राब क्यों नहीं होती है दोस्तों इतनी, जैसे अदर कंपनी की जल्दी ख़राब हो जाती है, तो वो रीज़न भी हम आपको बताएंगे। ज़्यादातर जो केसेस हम फंसते हैं हमारे सामने, जैसे हम किसी के यहाँ पर रिपेयर वेपेयर करने जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फंसती है कि मोटर जाम हो जाती है चलते चलते, उसका भी रीज़न होता है। क्रम्पटन की मोटर में ये बताया गया है कि ये जाम भी नहीं होती है, चाहे ऐसे लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो कितना भी। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि ये पानी रिवर्स नहीं कहते, जैसे आपने देखा समरसेबल चलाया, आपने चलाया वाप बंद कर दिया तो वापसी में पानी खींच जाता है, वो ऐसा नहीं करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरह की टेप मिलती है, कच्ची टेप एक दोस्तों येलो टेप। कच्ची टेप दोस्तों जो हमारी ये जॉइंट को कवर करने के लिए काम आती है, ठीक है। उसके बाद में एक केबल मिलता है जो कि मोटर से अटैच हुआ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैकिंग के साथ गत्ता लगा रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरफ आपको मोटर मिलती है और एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे पंप मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें तीन तार हैं, रेड येलो ब्लू। तो दोस्तों ब्लू वाला जो है वो कॉमन होता है, और जो इसमें येलो वाला है वो हमारा स्टार्टिंग का है, और दोस्तों जो रेड वाला है वो हमारा रनिंग होता है। ये इसमें कंडेंसर के तार, मतलब मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से हैं। येल्लो और रेड हमारा दोस्तों कैपेसिटर का है, और नीला लाल हमारा मेन लाइन का है। तो हम इस मोटर को जल्दी से बाहर निकालते हैं, इस मोटर में देखते हैं। एक तो इसमें वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों मोटर को हमने अनबॉक्स कर दिया है। आप मोटर देख सकते हो, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कैपेसिटर की MFD कितने एम्पेयर लेगी, कितने लेवल पे कितना, सभी कुछ लिखा हुआ है। तो ये 0.75 यानी कि 1 HP की है ये। तो यहाँ पे इसे बाहर निकालते हैं। ये हो गया दोस्तों इसका पंप। पंप में देखिए सबसे खास आता है ये, अदर इसमें नहीं दिया गया होता, ये जो जाली देख रहे हैं ये जाली ही दोस्तों आपके पानी को फिल्टर करके, और मतलब जो भी रोड़ी डस्ट वगैरह अगर आपका बोर में गिर जाए तो वो दोस्तों उसे इसके अंदर मोटर के अंदर पंप में नहीं जाने देती, और आपका दोस्तों ये सेफ़ रहता है। और ये जो आपका दोस्तों पंप है इसमें एक बॉल भी लगी होती है, जिस वजह से दोस्तों पानी वापसी नहीं जाता। और ये है दोस्तों इसका वारंटी कार्ड। बस इस मोटर के अंदर यही सामान मिलता है, और बाकी कोई भी सामान देखने को नहीं मिलता। अदर मोटर में भी यही सामान मिलता है, किसी किसी में टेप भी नहीं मिलती, इसमें टेप भी दे रखी है। तो दोस्तों आपको हमने दिखा दिया क्या होता है मोटर के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। आज कितना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।